नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली राजधानी होने के साथ ही राजनीति का केंद्र भी है। केंद्रीय राजनीति के साथ ही दिल्ली की अपनी राजनीति भी काफी दिलचस्प है। इतनी दिलचस्प कि दो बड़े राजनीतिक दलों की जमी जमाई राजनीति के बावजूद एक नई नवेली पार्टी सत्ता के सिंहासन पर बैठ गई। वो साल था 2015। अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली केजरीवाल की आप पार्टी नए विकल्प के साथ जनता के बीच आई और उनका भरोसा जीता। चूंकि 5 साल बीतने को हैं दिल्ली चुनाव से पहले, देश का चुनाव है। 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी जीत का भरोसा लिए आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र के साथ जनता से मुखातिब है। लेकिन इस बार भरोसा डगमगाया हुआ है। डगमगाया इसलिए क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस से गठबंधन की जो कवायदें थी वो उसमें आम आदमी पार्टी विफल साबित हुई और केजरीवाल की 30 मैनिफेस्टो पेश करते हुए भी सुनाई दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन पर ये कहा कि हम 7 सीटें छोड़ देते अगर कांग्रेस जीतने की स्थिति में होती। एक बड़ा बयान कल मैनिफेस्टो पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिया है। और दरअसल मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का की बात तो दोहराई है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन इसके साथ ही अब उनके निशाने पर कांग्रेस भी है। तो आपको हमने बताया कि कैसे दिल्ली राजधानी होने के साथ ही राजनीति का एक केंद्र है और यहाँ की अपनी राजनीति भी अब किस तरह से दिलचस्प होती जा रही है, ये आपने इस तस्वीर में भी देखा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके उन तमाम मुद्दों को उठाया जो न सिर्फ उनके वादों से जुड़े हुए दिल्ली की जनता के साथ उनका जो कमिटमेंट है उससे जुड़ा हुआ, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर भी खूब खरी खोटी यहाँ पर कांग्रेस को सुनाई है। मसलन उनका ये कहना है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो कांग्रेस ही उसके लिए जिम्मेदार होगी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और कांग्रेस ही नहीं कह रहे हैं बल्कि राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो गठबंधन को लेकर जो तमाम कोशिशें थी उसमें जब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नाकामयाब हो गई या विफल साबित हुई तो अब सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल का है कांग्रेस पर। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस और राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे इसके लिए। कह रहे थे कि 7 सीटें हम दे देते अगर कांग्रेस जीतने की स्थिति में दिखाई देती, तो गठबंधन से पीछे हटी कांग्रेस का अपना धर्म संकट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और उस धर्म संकट में सबसे पहली बात है लोकसभा चुनाव की बात, ठीक जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस किस स्टैंड पर होगी या क्या स्टैंड लेगी, ये अपने आप में एक बड़ा धर्म संकट। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बार बार जो घरेलू राजनीति है दिल्ली की उसमें दोनों एक कट्टर विरोधी हैं, कड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उस वक्त कैसे जनता के बीच में जाएंगे ये एक बड़ा धर्म संकट है कांग्रेस के सामने। और इसीलिए लगातार जो बात हो रही थी वो कामयाबी की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई, गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा धर्म संकट पूर्ण राज्य को लेकर है। पूर्ण राज्य की जो बात कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दोहराई है, दरअसल इस इशू को ना तो बीजेपी ने उठाया ना ही कांग्रेस ने। कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से हमेशा से बचती रही है, तो एक बड़ा धर्म संकट कांग्रेस के सामने इस मुद्दे को लेकर भी है। तो गठबंधन से पीछे हट रही कांग्रेस का कि अपनी मजबूरियां आए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि लगातार ये कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में, वो गठबंधन कामयाब हुआ नहीं और गठबंधन हुआ नहीं दोनों के बीच में, और इसमें अरविंद केजरीवाल को कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने अब कांग्रेस को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। एक एक कर बहुत सारे बयान उन्होंने दिए। कल दरअसल आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो गठबंधन की बातें ट्विटर और अखबारों से बाहर नहीं हुई, क्या ट्विटर और अखबार में गठबंधन की बात करना, क्या उनसे गठबंधन हो जाता है, ये अरविंद केजरीवाल ने तंज भरे लहजे में कल कहा था। तो कांग्रेस की अपनी 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 मजबूरियां हैं, आम आदमी पार्टी की अपनी ज़रूरतें हैं, तो ये ज़रूरतें एक तरफ हैं एक तरफ मजबूरियां हैं, और इस तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र ही दोनों को चुनाव भी लड़ना है। तो इस बार बहुत दिलचस्प लड़ाई हो रही है दिल्ली की। दिल्ली का जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें हम कहें कि कैंडिडेट लगभग मैदान में हैं, और ऐसे में अब आज तक हम कहें कि 26 तारीख है आज
और आज तक भी ऐसा लग रहा था कि गठबंधन को लेकर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि इशारों में या संकेतों में ये बात कही गई थी पीसी चाको, जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था और ये बातें कही गई थी कि आज तक भी सिचुएशन अगर बदलती है, आम आदमी पार्टी अपने रुख से थोड़ा सा बदलती है तो हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, लेकिन 26 तारीख का ये पूरा दिन अब निकलने को है। ऐसे में ये भी कोशिश जो है वो हम कहें एक तरह से आखिर तक जो मानी जा रही थी वो कामयाब नहीं हुई है। तो दिल्ली की राजनीति में एक नए तरह का ट्विस्ट देखने को मिला कल, जब अरविंद केजरीवाल सामने आए मैनिफेस्टो पेश करते हुए। उन्होंने ना सिर्फ पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया बल्कि ये भी कह दिया कि जो दिल्ली के अपने लोकल इश्यूज़ हैं उस पर उसका जो स्थायी समाधान है वो तभी संभव है जब पूर्ण राज्य का जो उनकी जो मांग है लगातार जो उठा रहे हैं वो पूरी हो जाती है, और उस मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जाए, अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल साथ ही ये भी सोच रहे थे कि कांग्रेस अगर उनके साथ गठबंधन में आ जाती तो ये लड़ाई आसान हो जाती, या फिर जो जीत का सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं वो जीत वो सपना पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस भी एक तरह से उनकी प्रतिद्वंदी इस चुनाव में उनके सामने है, तो एक जो फाइट है वो बहुत टफ होती नज़र आ रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में, क्योंकि सामने ना सिर्फ अब बीजेपी है बल्कि कांग्रेस से भी लोहा लेना है। और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि अगर जो सीट बंटवारे का जो उनका फार्मूला था उस पर आम आदमी पार्टी राजी नहीं होती तो गठबंधन नहीं होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर अड़े रहे, कांग्रेस ने जो फार्मूला दिया था उस पर हम कहें कि एक तरह से वो राजी नहीं हुए, और दोनों की अपनी अपनी जिद और ये गठबंधन अंतोगत्वा नहीं हो पाया। लेकिन अब सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जिस पूर्ण राज्य को लेकर एक तरह से हम कहें कि मैनिफेस्टो तो लोकसभा चुनाव का है लेकिन मुद्दे घरेलू हैं, तो ऐसे घरेलू मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि पूर्ण राज्य को लेकर दिल्ली की जनता भी उस मुद्दे को लेकर चिंतित है या उस मुद्दे पर सोचती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पूर्ण राज्य पर अरविंद केजरीवाल को भी पुनर्विचार करना होगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का इस मुद्दे पर अलग स्टैंड है, कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलती, लिहाजा ये एक बड़ा इशू हो सकता है दोनों के बीच गठबंधन ना होने को लेकर, ना होने की वजह को लेकर। और एक बात जो सबसे पहले हमने कही कि सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद दोनों के बीच में लंबे वक्त तक रहा। तो हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है इस वक्त, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ सीबी पांडे साहब हैं जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविजोत सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त चर्चा में शामिल हैं। एसपी सिंह रिटायर्ड आईएएस हमारे साथ हैं। शिव त्यागी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले रविजोत सिंह आपके पास आना चाहते हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम बीते कुछ दिनों से दिल्ली में देखने को मिल रहा है, आपकी अपनी समझ या आपका अपना अनुभव क्या कहता है? कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने, अब बिल्कुल ये साफ हो गया कि गठबंधन नहीं हो रहा है, ऐसे में जो निशाना उन्होंने आम आदमी कांग्रेस पर साधा, माफ़ कीजिएगा, उसको लेकर आपका आपकी समझ क्या कहती है? क्योंकि मुकाबला अब त्रिकोणीय दिख रहा है, पहले कांग्रेस को अपने साथ लाना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उनकी ये मजबूरी हो गई है कि वो कांग्रेस पर भी निशाना साधें, लिहाजा वो ये कहकर निशाना साध रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। अरविंद केजरीवाल एक बहुत अजीब सी राजनीति कर रहे हैं अभी दिल्ली की, जहां तक बातचीत है, और इसके पीछे का मेरा जो समझ मुझे बोलती है वो ये है कि जो मुसलमान वोटर है दिल्ली का, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट करता था, और कहीं ना कहीं जब सारा वोट ट्रांसफर हुआ कांग्रेस का तो, और वो आपकी तरफ हुआ, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल वो वोटर को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप पार्टी जो है वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो आप पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो वोटर जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है जो कांग्रेस से आया था वो कांग्रेस की तरफ वापस ना चला जाए वोटर, ये पूरा ड्रामा खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मेरे को ये समझ में आता है, क्योंकि जिस तरह से आगे पीछे होता रहा है और कभी भी सीट का बंटवारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं वो होगा नहीं, क्योंकि
देखा जाए तो ले देकर सिर्फ दिल्ली तक की ये पार्टी सीमित रह गई है। आप पिछली 2014 के बाद इन्होंने काफी एक्सपेंड करने की कोशिश की थी गोवा में भी पंजाब में भी, लेकिन हर जगह मुंह की खाकर आए हैं। और कांग्रेस की जो भी हालात हैं आज की डेट में, उसके बावजूद कांग्रेस अपने आप को तो एक नेशनल पार्टी समझती है और है भी, मतलब फुटप्रिंट तो उनका नेशनल है ही है। तो कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप पार्टी जो है वो डिक्टेट करे टर्म्स और हम उन टर्म्स के ऊपर आए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये पता है। तो ये कोलिशन मुझे लगता नहीं है होगा। इसका सिर्फ रीजन ये है कि वोटरों तक एक बात पहुंचाना, अरविंद केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं कि हम लोग वो लोग हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं और कांग्रेस जो है वो बीजेपी को जिताना चाहती है। अगर आप नरेटिव देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल यही नरेटिव बना रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है, हम हराना चाहते हैं। तो जो वोटर है जो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी को हेट करता है जो वोटर, उस वोटर को वो रिझाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल अपने इस पूरे नरेटिव से। ठीक है सीबी पांडे जी, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए एक तरह से अरविंद केजरीवाल जब बात करते हैं, और कल जब हमने उनको सुना मैनिफेस्टो पेश करते वक्त, तो उन्होंने दो तरह की बातें कही। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल बार बार दे रहे थे गठबंधन को लेकर, उस पर ट्विटर और अखबार से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी, और क्या ट्विटर अखबार से क्या गठबंधन होता है, एक तो उन्होंने तंज ये कसा। दूसरा वो कांग्रेस को लेकर ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी आ जाती है पावर में तो राहुल गांधी और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो एक नया तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इससे उनकी कोशिशें क्या कामयाब होंगी? क्योंकि भले ही ये लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो था, लेकिन मुद्दे वाकई में घरेलू थे, पूर्ण राज्य की हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन हो पाएगा उन लोग का। एक तो दो कारण है, एक तो जितनी पिछली सभी सीटें आप देखें सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में, ऐसा कुछ उनको नहीं लग रहा है कि पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा दिखा पाएगी, क्योंकि वो रीजनल पार्टी के तक सिमट गई है। अब आम आदमी पार्टी कोई नेशनल पार्टी का उसका स्वरूप नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी अब नेशनल पार्टी है भी, उसको एक उनका स्वरूप भी है, और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो ठीक से अपना लड़ रही है। वो अलग बात है कि कितनी सीटें उनको मिलती है, कितनी सीटें नहीं मिलती। तो अब कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही छोटी सी रीजनल पार्टी के आम आदमी पार्टी जो लखनऊ दिल्ली में सिमट गई है, तो उसका डोमिनेंट रोल कभी भी नहीं चाहेगी दिल्ली में लड़ने, और वो सीट मिलने अलग बात है, लेकिन उसका डोमिनेंट रोल हो पार्लियामेंट के चुनाव में, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी इसको कभी भी चाहेगी। तो इसलिए छह या सात सभी सीटें हैं उस पर निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़ें, और वो सीट उनको सिर्फ देना चाहेंगे जहाँ से कि कांग्रेस समझेगी कि ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही कमज़ोर टाइप की सीटें हैं। इस पर मैं समझता हूँ कभी भी आम आदमी पार्टी के लोग नहीं तैयार होंगे। फिर आम आदमी पार्टी का जो अगला जो उनका निशाना है, वो जानते हैं पार्लियामेंट में कोई बहुत अच्छा वो नहीं कर पाएंगे। उनका अगला निशाना है तो आने वाले 2020 में पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव है, तो असेंबली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का नज़र उस पर है, कांग्रेस का नज़र पार्लियामेंट के चुनाव पर है। असेंबली में कांग्रेस बहुत ज़्यादा हाईली बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आम आदमी के पार्टी के लिए तो 2020 के असेंबली का चुनाव बहुत अहम रखता है। बिल्कुल, तो अगर आम आदमी पार्टी की बहुत अहम भूमिका है सीबी पांडे साहब, और अपनी अपनी मजबूरियां भी हम देख रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल जी, अपनी अपनी जरूरतें हैं, इसीलिए मैंने समझता हूं। और एक तरह का एक धर्म संकट, और अपने अपने सबके अलग अलग टारगेट हैं, अलग अलग, इसीलिए हम इसको एक धर्म संकट कह रहे हैं। ये कांग्रेस का अपना एक धर्म संकट है, क्योंकि जैसा कि मैं वापस लौट रहा हूँ सीबी पांडे साहब आपके पास, और तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे, लेकिन ये अपने आप में समझने वाला सब्जेक्ट है कि जो धर्म संकट कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है वो तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि नई राजनीतिक पारी शुरू की थी 2015 में, अब एक तरह का कॉन्फिडेंस इसलिए भी डगमगाया हुआ है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, मुद्दे घरेलू राजनीति से हटकर हैं, और ऐसे में उसे लगता है कि कांग्रेस का साथ मिलेगा तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे आसर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और मुद्दा यही है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन नहीं हो पाया, और उसका सीधा असर हम कहें कि कल जब मैनिफेस्टो पेश किया अरविंद केजरीवाल ने,
तो उनकी जुबा से साफ दिखाई दिया और ये पता चल पाया कि अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, यानी कि त्रिकोणीय लड़ाई इस वक्त दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर देखी जा रही है। बहरहाल हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, हमारे साथ रविजोत सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, एसपी सिंह रिटायर्ड आईएएस, शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, सीबी पांडे साहब पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिव, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक बात तो साफ है, राजनीतिक परिपक्वता का अभाव हमें नजर आया, जिस तरह से लगभग महीने भर तक ये गहमा गहमी बनी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, ट्विटर संवाद भी हुए, यूटर्न भी लिए गए, तो लग रहा था आपको भी, चूंकि आप बार बार इसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो आपको भी लग रहा था कि ये गठबंधन होते होते रह गया, या शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बातें हैं, ज़मीन पर कुछ काम नहीं हुआ? देखिए भुवन, जिस तरीके से शीला दीक्षित को दिल्ली की कमान दी गई थी, उसके बाद से लगातार जो ये प्रयास चल रहे थे कि गठबंधन का करा जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन लगातार जो शीला दीक्षित है वो गठबंधन को लेकर मना कर रही थी। राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक भी हुई थी, जिसमें अजय माकन और पीसी चाकू सहित तमाम जो नेता हैं जो कांग्रेस के हैं, जो यहाँ पे दिल्ली की पुरानी राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो सभी मौजूद थे। और कुछ लोगों ने ये गठबंधन को लेकर जो है जोर दिया था कि गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो वोटर है वो फिलहाल एक था। लेकिन जिस तरीके से शीला दीक्षित अब दोबारा से मैदान में उतारी गई, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो वोटर थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वो धीरे धीरे शीला दीक्षित की तरफ खिंचाव रहा था। तो साफ तौर पे शीला दीक्षित को यह आभास था कि अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो ज़्यादा वोट जो सीटें हैं वो ला सकते हैं, और ऐसे में उन्होंने पुराने जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन पर इन्होंने विश्वास रखा, और दिल्ली के जो सातों लोकसभा सीट है उन पर पुराने प्रत्याशियों को जो है उन्होंने यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर उतारा। तो पहले से ये शीला दीक्षित को आभास लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा तो अच्छी मार्जिन से जो है जो प्रत्याशी उतरेंगे वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को भाप लेते कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा तो उनकी जो प्रत्याशी जो उन्होंने उतारे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होंगे, और ऐसे में अगर अब तीनों पार्टियों की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला उन तीनों के बीच में देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है अब ऐसे में कमजोर साबित हो रहे हैं, और शीला दीक्षित जो यहाँ की दिल्ली की राजनीति से पूरी परिपूर्ण जानती हैं, उनको ये बात पहले से ही पता थी। इसी कारण उन्होंने लगातार जब भी मीटिंग जो राहुल गांधी के साथ हुई थी, या इस बात की बात कहें कि चर्चा जो गठबंधन को लेकर हुई थी, लेकिन लगातार जो शीला दीक्षित इसके विरोध में खड़ी होती है, शीला दीक्षित ने राहुल के साथ जब बैठक हुई थी तो उन्होंने इस तौर पर साफ मना कर दिया था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 2015 की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सरकार में आए थे तो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित सहित जो तमाम कांग्रेस के नेता थे उनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बिल्कुल सिर्फ कांग्रेस विरोध राजनीति से ही हम कहें एक तरह से शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स की, और यही एक बड़ा मुद्दा है और यही एक बड़ा धर्म संकट भी है कि जिस व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ इतना हम कहें कि इतनी बड़ी एक राजनीतिक शुरुआत की, उससे कैसे गले मिल जाते। एसपी सिंह साहब हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस, उन सब समझने की कोशिश करते हैं। एसपी सिंह साहब, क्या लगता है आपको इस पूरे हम कहें कि घटनाक्रम को आपने भी देखा, कांग्रेस अगर पीछे हटती या आम आदमी पार्टी को छूट देती तो आपको लगता है ये गठबंधन हो सकता था, और थोड़ी बहुत परिपक्वता अगर दिखाते तो ये लड़ाई द्विपक्षीय हो सकती थी दिल्ली में? देखिए, ये सबको पता है कि जो दिल्ली की गद्दी की लड़ाई है पार्लियामेंट चुनाव में, वो कांग्रेस और बीजेपी में है, और ये आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए कि ये लड़ाई किसकी है। और आम आदमी पार्टी जो चूँकि बार बार पहल कर रही है, इससे पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की पोजीशन वीक है, वो ज़्यादा ईगर है करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूँकि उसमें काफ़ी मजे पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि अगर हम एक विकल्प के रूप में कि भाजपा का विकल्प हम हैं, आप पार्टी नहीं, तो वो देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी। तो जितना वोटर है जो बीजेपी के खिलाफ जाना चाहता है वो वोटर कांग्रेस को वोट देगा, ये इनका प्रजम्पशन एक लेके चल रहे हैं। अब यह दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल ये सोच के चल रहे थे कि भाई अकेले तो मैं कोई, उनको भरोसा नहीं है अकेले में कोई भी सीट जीत पाऊंगा, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से गठबंधन हो जाए और हमको प्रोमिनेंस मिल जाए कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, हमको प्रोमिनेंस मिल जाए और एक कांग्रेस पर एहसान भी हो जाए और उनका अलायंस इसलिए हो जाए चूंकि मोदी को हराना चाहते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन जो है ना, ये दोनों तरफ से है। कांग्रेस नहीं चाहती कि आप, देख कांग्रेस को अंततः लड़ना है आप पार्टी से विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी से पहले तो आप पार्टी होगी चूंकि रूलिंग पार्टी होगी,
उनकी एंटी इनकमेंसी किसकी है इस वक्त दिल्ली में, वो आप पार्टी की है, आप पार्टी की है। तो कांग्रेस जानती है कि आप पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ चल रही है और वो पार्लियामेंट में भी दिखाई देगी, चाहे उन्होंने कितने अच्छा काम किया, वो इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के तमाम जितने परिपक्व लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि हम सारी सीटों पर हम लड़ेंगे और डायरेक्ट टक्कर देंगे हम बीजेपी को, और आप पार्टी का जो वोट जो पहले उनके था वो भी कांग्रेस में सिमट के आएगा, इस प्रजम्पशन से आप लड़ रहे हैं। इस कड़ी के अंदर चाहे त्रिकोणीय मुकाबला हो लेकिन आप पार्टी काफ़ी कमजोर होकर सामने आई है। ठीक है रविजोत, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए जो राजनीति में जो फैसले होते हैं ये तो हम लोग भली भांति समझते हैं कि देशकाल के अनुरूप फैसले लिए जाते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप फैसले लिए जाते हैं। जब हम बात गठबंधन की कर रहे हैं दिल्ली में तो हमें दूसरे राज्यों को भी देखना चाहिए और दूसरे दलों को भी देखना चाहिए। आप देखिए कि इस चुनाव से पहले पहले चाहे हम महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन देख लें, जो लग रहा था कि बिल्कुल अब इतने क्लैशेस हो गए हैं कि अलग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर समझौता हो जाता है, सुलह हो जाती है। या फिर आप बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन देख लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है, बीजेपी ने जीती हुई सीटें गिव अप कर दी जेडीयू के लिए। तो एक बड़ी परिपक्वता, एक समझ दिखाई है बीजेपी ने, एक समझदारी दिखाई। इस तरह से आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में इसका एक बड़ा अभाव देखने को मिला, और कुछ फैसले अगर आपको लेने हैं, कुछ बड़े कदम आपको ज़रूर उठाने पड़ेंगे, एक बड़ा समझौता आपको करना पड़ेगा और उसमें सेक्रीफाइस भी होगा, तो आपको लगता है इसकी एक अज्ञानता दिखी है दोनों के बीच? नहीं, मैं अज्ञानता नहीं बोलूंगा, मैं अज्ञानता बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उसका रीज़न यह है कि जब आम आदमी पार्टी अभी यहाँ विधानसभा में 70 में से 67 सीटें जीत कर आई और कांग्रेस का सफाया होगा और बीजेपी को तो सिर्फ 3 सीटें मिली, अगर आप वोट परसेंटेज उस टाइम देखेंगे तब भी बीजेपी की वोट परसेंटेज हिली नहीं थी, बीजेपी की वोट परसेंटेज वही रही 33-34%, और बाकी की जो 67% वोट परसेंटेज थी वो कांग्रेस की सारी वोट परसेंटेज जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है वो शिफ्ट हो गई। अभी जो जितना उहापोह और जितनी भी बातचीत और जितनी भी राजनीतिक दांवपेच अरविंद केजरीवाल खेलना चाह रहे हैं ये उसी 67% वोट शेयर के लिए है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है 33-34% वो हिला नहीं है दिल्ली के अंदर में, वो हिलेगा भी नहीं, क्योंकि परंपरागत वोटर हैं वो, ना कांग्रेस में जाएंगे ना वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे। जितना भी वोटर का शेयर जो होगा आपस में जो इधर उधर हिलेगा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होगा, और ये बात अरविंद केजरीवाल को भलीभांति पता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि शीला दीक्षित तो देखिए 3 बार सीएम रही तो उनको तो पता ही है इस बारे में, तो मैं कहूंगा कि अगर राजनीति परिपक्वता की आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से हुई है कि उन्होंने ये गठबंधन नहीं करा, अगर वो गठबंधन करते तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 के अंदर में दिल्ली के विधानसभा चुनाव है और उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल को असली फर्क पड़ेगा ये अभी जो गठबंधन होता या नहीं होता। दिल्ली की जो 7 सीटें हैं इसके लिए ये तो उनके दिमाग में था ही नहीं, वो दिखा रहे थे कि ये 7 सीटों के लिए उनके, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें जो आपकी सेंटर की जो सरकार बनाने के अंदर में बहुत बड़ी कोई सहायक साबित नहीं होती है, ये तो अरविंद केजरीवाल दिखाना चाहते हैं कि वो ये इसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है, असल मुद्दा 2020 के चुनाव है, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ रविजोत आपके पास भी, एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, शिव त्यागी हमारे संवाददाता, और सीबी पांडे साहब पूर्व न्यायाधीश भी हमारे साथ पैनल पे लगातार मौजूद हैं। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जो अपनी पॉलिटिक्स है दिल्ली की उसको हम समझ रहे हैं, और ये बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई को भी हम इस तौर से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ा और छोटे बनने की भी कोशिश इस गठबंधन को तय करने के को लेकर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हो रहे हैं सर। देश में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी तेज है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 26 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी 4 चरणों में 56 सीटों पर वोटिंग बाकी है, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश इन सीटों पर जनाधार वापस पाने की है और इसके लिए पार्टी अपनी कोशिशों में जुट गई है। तो हमेशा से ही सियासत की प्रयोगशाला बनता रहा बुंदेलखंड, इससे कैसे अछूता रह जाता। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बीते 2 दिन बुंदेलखंड के दौरे पर रहीं और यहाँ की नब्ज टटोलती दिखी। उन्होंने इस दौरान झांसी, उरई, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड के कई इलाकों में चुनावी सभाएं की। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा और उसकी नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। तो हमीरपुर, झांसी, महोबा, फतेहपुर में प्रियंका गांधी की मौजूदगी बता रही है कि बुंदेलखंड
जिसको हमने कहा कि राजनीति की प्रयोगशाला, और कैसे प्रियंका अलग अलग क्षेत्रवार तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें कर रही हैं और वोटरों के बीच कांग्रेस की प्रासंगिकता को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश। आप इस सरकार को देखिए, भाजपा की सरकार को, प्रधानमंत्री जी की सरकार को, 550,000 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि मैं भूल जाती हूँ भाषण में जब कहती हूँ कि कितना बड़ा है। 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं, बड़े उद्योगपतियों को। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के कर्ज माफ करो, तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। मैं तो एक महिला से मिली, एक अध्यापिका थी, प्रदर्शन के लिए चली गई क्योंकि उनका वेतन नहीं मिला था। उनकी ऐसी पिटाई की गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उन पे रासुका का कानून लगाया, राष्ट्र सुरक्षा का कानून एक अध्यापिका पे, क्योंकि अपना वेतन मांग रही थी। मैं बनारस के विद्यार्थियों से मिली, उन्होंने मुझे कहा, दीदी जब हमने प्रदर्शन किया हमारी पिटाई की गई, क्यों? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब जनता आलोचना करती है, जब जनता प्रदर्शन करती है, जब जनता अपना अधिकार मांगती है, तो जो सत्ता में है उसे खुश होना चाहिए कि जनता कुछ कह रही है। सुनो कि सबसे पहले ये जो दूरी है जनता और नेताओं के बीच में, इसे आपको नेताओं को सिखाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेताओं को सिखाइए कि ये सब नहीं चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकते। आपने बिठाया है मंच पे, सबको अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज देश खतरे में है। ये फूट की राजनीति है और नकारात्मक राजनीति है, इसे आप परे करिए और एक ऐसी राजनीति लाइए जो आपकी बात करे, जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो उनका हल करे, उनका हल करने का पूरा प्रयास करे और आपके प्रति समर्पित रहे। वहीं कल ही पीएम मोदी भी बांदा में चुनावी सभा करने आए थे और उन्होंने जल्दी पानी की समस्या दूर करने का वादा भी किया था। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए विपक्षी दलों की जातिगत और क्षेत्रगत राजनीति को जिम्मेदार बताया। वहीं पानी की समस्या, बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निपटने की अपनी योजना के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसका अलग से ही बजट होगा। व्यक्ति व्यक्ति में ही भेद नहीं किया, क्षेत्रों के आधार पर भी भेदभाव किया। बुंदेलखंड के इस पूरे क्षेत्र को अभाव में रखने का पाप भी इसी सोच के कारण हुआ है। साथियों, 2014 में आपने भेदभाव की इस व्यवस्था को तोड़ा और इस चौकीदार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज ही जालौन में हुई सभा में पीएम मोदी को बुंदेलखंड की बदहाली पर जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के कच्छ की खुशहाली की कहानी सुनाकर गए प्रधानमंत्री ने प्यासे बुंदेलखंड की दुश्वारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले यहां आए मोदी गुजरात के जल संकट ग्रस्त कच्छ की कहानी सुनाकर गए थे। पीएम कह रहे थे कि जहां पर कभी लोगों को पानी नहीं मिलता था, अब वहां के लोगों का जीवन बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने प्यासे बुंदेलखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, बताओ भूल गए आप 2014 में क्या क्या वादे किए थे? हमारे किसान भाई जानते होंगे, उनकी आय दोगुनी हो जाएगी कहा था, जो समर्थन मूल्य है वो 1.5 गुना मिल जाएगा, खेत में पानी पहुंच जाएगा। और अभी बुंदेलखंड आए थे, कह रहे थे 5 साल का अपना हिसाब किताब नहीं दिया और अपने 5 साल के बाद पानी पहुंचाएंगे, ये वादा कर करके गए हैं। चलिए, आज का मुद्दा में अब बात बुंदेलखंड की राजनीति और जो यहाँ जिस तरह बुंदेलखंड को लेकर हाल में
जो बयान आए हैं उस पर हम बात करने और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। रविजोत सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पैनल में मौजूद हैं, एसपी सिंह रिटायर्ड आईएएस हमारे साथ हैं, सीबी पांडे साहब पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ इस वक्त डिबेट में हैं, और हमारे संवाददाता शिव त्यागी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एसपी सिंह साहब, मैं इस सवाल को आपके पीछे आपके सामने ला रहा हूँ। लगता है कि बुंदेलखंड को लेकर, क्योंकि बुंदेलखंड से एक बड़ी समस्या जुड़ी हुई है, एक बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है जल संकट का, पानी का। तो और प्रियंका गांधी जब यहाँ पहुँची तो उन्होंने यही बात कही, भले ही उन्होंने तंज के लहजे में कही, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को तो पानी मिल नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर यहाँ सड़कों पर पानी जो है, सड़कें साफ़ करने के लिए पानी डाला जा रहा है। तो आपको लगता है कि बुंदेलखंड का जो असल मर्म है यहाँ यहाँ के लोगों का या उनके सरोकारों का, उसको किसी ने समझने की कोशिश की इस चुनाव में? देखिए, बुंदेलखंड में मैंने बहुत काम किया है और बुंदेलखंड में बहुत जाता भी है, चाहे महोबा हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, ललितपुर हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, ललितपुर हो, मैं सभी जगह जाता रहता हूँ, अनेक कार्यक्रम मेरे होते रहते हैं। बुंदेलखंड की समस्या जो पेयजल की समस्या है, उस समस्या के बारे में कोई भी सरकार सीरियस नहीं रही। देखिए, पुरानी सरकार थी उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार, उसने 200 तालाब बनवाए थे, वो पूरे नहीं हुए काम, जो आज भी अधूरे हैं। और केंद्र सरकार ने 7000 करोड़ रुपए का एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसका 7000 करोड़ रुपए का पैसा 5 साल के लिए दिया गया, और 5 साल का जो दिया गया उसमें भी आप लगा सकते हैं अनुमान कितना किसको मिला। भाई, बुंदेलखंड के 13 जनपद आते हैं, जिसमें 6 जनपद मध्य प्रदेश में है, 7 जनपद उत्तर प्रदेश में है, और अनुमान आप लगा सकते हैं कि 7000 करोड़, थोड़ा सा 7000 करोड़ से ज़्यादा था, उसमें से 60% पैसा मध्य प्रदेश को गया, 40% उत्तर प्रदेश को मिला। बेईमानी देखिए केंद्र सरकार की, कि आपने बीजेपी रूल्ड स्टेट के लिए 60% पैसा दे दिया, और आप देखेंगे जैसे ही आप मध्य प्रदेश में घुसेंगे, हमीर या ललितपुर की तरफ से जहाँ से भी घुसेंगे, आप वहाँ का जो चित्रकूट का क्षेत्र, वहाँ का हरा भरा दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश का जो है वो निर्जन दिखाई देता है। तो उत्तर प्रदेश इस सरकार ने भी, जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जो 7 जनपद है, इनके साथ दोहरा व्यवहार अपनाया है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हर जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती है बुंदेलखंड में, सब मैं ये बात को कहता हूँ। देखिए, चंदेला राजाओं के समय में 800 तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे, उन तालाबों की खुदाई का निरंतर कार्यक्रम चलता था, और ये न केवल जो चंदेला राजाओं के समय बल्कि मेडिवल पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में चालू रहा, जारी रहा। हेलो, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी नहीं, आप बताएं, मैं बोलूं अपनी बात? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो ये 800 जो तालाब थे, इनको इंटरलिंक किया गया था अंडरग्राउंड नालियों के माध्यम, बड़े बड़े नालों के माध्यम से। एक तालाब में पानी कम होता तो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था, और जितना रेन जो बरसात होती है, उस बरसात को एकत्र किया जाता था। आप जानते हैं ड्राउट के 2-3 प्रकार होते हैं, एक ड्राउट जो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जिसको कहते हैं, सूखा कहते हैं, वो ये है जिसमें बरसात तो हो रही है लेकिन पानी सरफेस वाटर फ्लो होकर समुद्र में चला जा रहा है नदियों के माध्यम से। बुंदेलखंड में काफ़ी समस्या इसकी भी है, जो पानी बरसात होती नहीं है, तो होती है तो उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या है जो सारे सरकारों ने उपेक्षित किया है, वो है खनन का मुद्दा। वहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें बेतवा है, केन है, बेतवा वहाँ पे 50% क्षेत्र कवर करती है, बाकी केन 25% और बाकी छोटी छोटी नदियाँ हैं। जो खनन है उस पूरे प्रदेश, उस 7 जिलों में, उसने क्या किया है, उन्होंने नदियों के सीने को चीर कर रख दिया। जो आप देखिए वाटर के सोर्सेज कौन से होते हैं, एक होता है कैचमेंट एरिया, एक होता है जिसमें से पानी बरसात का पहाड़ों पे गिरता है, नीचे नदियों में आता है, दूसरा होता है जो रिवर का बेसिन होता है। बेसिन में क्या है कि रिवर का एक नेचुरल सोर्स डेवलप होता है, उसके बॉटम से आता है, अगर आप उसकी ज़्यादा खुदाई करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा, तो नेचुरल सोर्स जो पानी नीचे से जमीन से आता है, ऊज आउट होके वो आना बंद हो जाता है। तो सारी नदियों में जो बेसिन डेवलपमेंट का काम है वो बंद रहा बिल्कुल, वो पानी जो नदियों से नेचुरल सोर्स से आना चाहिए था वो आना बंद हो गया बिल्कुल। मुझे याद है, अभी हाल में मुझे ललितपुर के जिलाधिकारी ने बुलाया था, उन्होंने एक नदी को रिवाइव किया है, एक पुरानी नदी को, और उसको रिवाइवल में उन्होंने काम किया है, उनके बेसिन डेवलपमेंट का काम किया है, उन्होंने उसकी डिसिल्टिंग इस प्रकार की है ताकि नेचुरल सोर्सेज जो पानी के नीचे से वो खुलना शुरू हो जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस नदी में नेचुरल पानी आ गया और सिंचाई होना शुरू हो गई। जी, ये सरकारों ने, जो भी सरकारें आती हैं, बातें बड़ी बड़ी करती हैं, अभी ये बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, चुनाव हो रहा है तो पानी पीने के लिए टैंकर भी चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2 साल ये सरकार भी हो गई, योगी सरकार, इसने तो धेले भर का काम नहीं किया, एक पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ,
बुंदेलखंड विकास निधि का जो पैसा जिलों को जाना चाहिए था, सातों जिलों को, इस सरकार ने तो वो भी ट्रांसफर नहीं किया। काम होने की तो बड़ी बात है। सभी सरकारों ने मंडियां बनवा दी बड़ी बड़ी। बिल्कुल, आपको मैं रोक रहा हूँ एसपी सिंह साहब बीच में ही, क्योंकि मुझे कमर्शियल के लिए रुकना है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन आपने जो बातें उठाई हैं उन बातों को लेकर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी चलूंगा कि वाकई में बुंदेलखंड को लेकर इतनी ज़्यादा उदासीनता जो कुमारानों ने दिखाई है, खासतौर पर अब प्रदेश में भी और केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार है, तब भी इतनी उपेक्षा बुंदेलखंड के साथ, और ख़ासतौर पर जो यूपी के जनपद हैं बुंदेलखंड के, वहाँ पर स्थितियाँ दूसरे राज्य के हिस्सों से हम कहें ज़्यादा ख़राब हैं, ये भी एक कटु सत्य। फिलहाल रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हो रहा हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और मुद्दा अब ये है कि बुंदेलखंड पर जो सियासत हो रही है, या कहें कि बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर हर कोई इस चुनावी मौसम में संवेदना दिखा रहा है, संजीदगी दिखा रहा है, लेकिन वाकई में इतनी संजीदगी क्या हमारे राजनीतिक दलों या नुमाइंदों को है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, सी बी पांडे साहब पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ हैं। सी पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लगातार इस इशू को हर राजनीतिक दल उठा रहा है, और जैसा कि अभी हमने खबर में बताया कि प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने जिक्र किया पीएम मोदी की मौजूदगी खुद उस क्षेत्र में थी, और अखिलेश यादव को भी हमने सुना जिन्होंने ये कहा आज कि कच्छ की बात करके चले गए प्रधानमंत्री, जबकि उनको यहाँ के असल समस्या के बारे में और उसकी चिंता के बारे में, उनको लोगों की चिंता के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम, और कोई स्थायी समाधान अब तक इस सरकार ने नहीं किया है। आप बुंदेलखंड को लेकर, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा है जिसको हमने शुरुआत में कहा कि ये राजनीति की एक प्रयोगशाला भी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बुंदेलखंड का समस्या कोई आज की समस्या तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तभी से बुंदेलखंड की ये समस्या बनी हुई है, और इसमें इस बीच आप देखें कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ आई और चली गई। कांग्रेस भी आई, भारतीय जनता पार्टी भी आई, समाजवादी पार्टी भी आई, और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी है। तो अगर बुंदेलखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये पहले जैसे पानी है, पानी उनकी बहुत बड़ी समस्या है और शुरू से समस्या रही, और पानी वहाँ के लोग जानते हैं कि उन्हें 70 साल में क्या एक पानी की समस्या को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। चाहे जैसे भी हो, कम से कम उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना के हम पानी की समस्या को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात है कि वहाँ जो नदियाँ हैं, और नदियाँ मिनरल्स के रूप में वहाँ बालू के खदाई काम करती है, उससे पैदा होने वाली समस्या और भयंकर रूप लेती रहती है। वो एक शोषण का केंद्र बन चुका है। सारे मिनरल्स के तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका शोषण वहाँ चलता रहता है। वहाँ के माफियाओं से मिलकर पॉलिटिकल पार्टी वो अपने कमाने का धंधा बनाए रहती है, और सत्ता के लोग जो लगे रहते हैं वो उनकी वहाँ से कमाई करते हैं। तो खनन की भी समस्या आज सबकी करीब करीब ये भी लगातार चलती आ रही है। तीसरी समस्या वहाँ के, ये अभी इस चुनाव इस सरकार में तो एक बड़ी भारी समस्या वहाँ पैदा हुई है, और जो आवारा पशुओं की समस्या है, वो जो थोड़े बहुत उनके जो चारा वो फसलें तैयार हो रही थी, उन फसलों की इतनी 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 मुश्किल हो गई है कि उनके पास उनको कैसे उसकी सुरक्षा करें, कोई सुनने वाला नहीं है। आवारा वहाँ तमाम डेयरियों के बनाने की बात है, यहाँ तक कि उस डेयरियों के पशुओं को बाड़ा बनाने की बात है, किसी ने गौशाला बनाने की बात है, न बाड़ा बनाने की बात है। पहले मैं तो गया था, बहुत दिन नहीं हुआ, 5-6 महीने पहले मैं गया था, हर गांव-गांव में यही समस्या बता रहे थे कि ये पशुओं की समस्या था, कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग तो ऐसे थे। और मैं समझता हूँ इस समस्या को लोग आँख दे के मूंद रहे हैं, ये सत्ता सरकार को इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा नुकसान इस पर राजनीति में होने वाला। ठीक है, मैं आता हूँ सर, मैं आपको वापस आता हूँ। सीवी पांडे साहब, हमारे संवाददाता शिव त्यागी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने उठाया, आपने तो और बता दिया कि और दूसरी समस्याएं क्या है। लेकिन शिव, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए चुनाव का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जाहिर तौर पर होगी, लेकिन जैसा कि सीवी पांडे साहब बता रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो कोई विकल्प दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या जितनी संजीदगी के साथ हमारे पैनलिस्ट इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या उस तरह से ये दूसरे विपक्ष के नेता इस तरह की बात रख पाते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को आज हम सुन रहे थे, या फिर प्रियंका गांधी को हमने सुना, राजनीतिक बातें हो रही हैं, विकल्प नहीं दे पा रहा है, तो आपको लगता है ऐसा एक रोड मैप तो आपको देना पड़ेगा जिससे जनता आप पर भरोसा कर पाए?
ये लगता है आपको बुंदेलखंड को लेकर? देखिए भूपेन, बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी उनके कार्यकाल के दौरान भी इस बुंदेलखंड के बारे में नहीं सोचा गया। वहीं अगर अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब बुंदेलखंड के जो वासी हैं आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। और केंद्र सरकार को लेकर जिस तरीके से अब विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, अगर प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में वो लगातार जो जनसभाएं करके लोगों को का जो जनसमर्थन है वो लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधा है, जो समस्या है, उन पे किसी ने आज तक फोकस नहीं काम किया। ऐसे में जो बुंदेलखंड के वासी हैं साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो उनकी जो समस्या है उसको जो है राजनीतिकरण जरूर लिया जा रहा है। जिस तरीके से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है, तो साफ जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनकी जो समस्या है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ना ही जो उनकी जो पानी की समस्या है, या अभी अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से उनका जो खेती बाड़ी है उसको लेकर अगर 2017 में जिस तरीके से योगी सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि जो आवारा पशु है उनको जो है किसानों की जो खेती है वो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए चार दीवारी करी जाएगी और इस किसानों को इस तरीके का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जो इस समय की जो धरातल की स्थिति है बुंदेलखंड के जो किसान हैं वाकई में अभी भी उन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और पिछले अगर 5 साल की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएँ बुंदेलखंड के लिए लाई गई हैं धरातल पर वो आज भी नहीं पहुँची हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड का जो किसान है, बुंदेलखंड के जो रहने वाले लोग वो आज भी इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चलिए आखिरी 2 मिनट मेरे पास है, मैं एक एक मिनट जो है एसपी सिंह साहब और सीबी पांडे जी आपके पास आऊंगा। एसपी सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास संक्षेप में आप बताइएगा कि बुंदेलखंड के जो अपने इश्यूज हैं, अपने मुद्दे हैं, जिसको सीबी पांडे ने कहा कि आज के नहीं है तो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, और सरकार बदलती है जरूर लेकिन हालात जस के तस रहते हैं, तो आपको लगता है इस चुनाव में ये मुद्दे परिवर्तन लाएंगे या फिर जैसा अब तक होता है वैसा ही होगा, क्योंकि कोई विजन तो अब तक नजर नहीं आ रहा है? देखिए, बुंदेलखंड में दो तरह का वर्ग है। एक तो बहुत रिच है, मालदार है, जो जमींदार वर्ग है, जिसके पास जमीनें हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, छोटी छोटी जमीनें नहीं, वहां बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, 100-100 एकड़ की है, 50-50 एकड़ की बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और बाकी दूसरा जो वर्ग है वो यही है, छोटा है, जो मजदूर वर्ग है। उसमें से 70% युवा जो होते हैं, जो उसके जो काम करने वाले जो मेल मेंबर्स हैं, वो प्लान करके बाहर चले जाते हैं, वो रहते नहीं उस क्षेत्र में, खाली वोट डालने के लिए आएंगे वो लोग। और वो जो नीचे का तबका है वो सामान्यतः जो जमींदार वर्ग है, बड़ा वर्ग है, ठेकेदार है, खनन का ठेकेदार है, या खेती बाड़ी जिसके होती है, वो उनके कहने में चलते हैं। वो वहाँ पर टोटली बुंदेलखंड के क्षेत्र में जमींदारी प्रथा है, वो समस्याएं से जूझते हैं, वो रोजाना घास की रोटी भी खा सकते हैं, समस्याएं होती रहेंगी। और ये वोट किस आधार पर देते हैं? वो जाति के आधार पर वोट देंगे, जमींदार कहेगा उसके आधार पर देंगे, या पति उनको मुंबई से कहीं से फोन करके बताएगा उसके आधार पर देंगे। ठीक है सर, मैं सीबी पांडे जी, सीबी पांडे जी से रिएक्शन चाहता हूं। लास्ट 1 मिनट है सीबी पांडे जी, आपका क्या कहना है, आपका लास्ट कॉमेंट? नहीं, मेरा जो अभी जो अनुभव है, अभी मैं हाल में जब गया था तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लोग, काफी खिलाफ है लोग, और कई कारणों से खिलाफ है। एक तो उन्होंने जो जैसे आवारा पशुओं की बात कही, और किसी भी समस्या का समाधान उनको लगता नहीं है कि उनके हो पाया। और ये जो बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो उनके उन तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाया है। और यहाँ तक कि ये जो मकान है और पास देखिए, घर और मकान और शौचालय, ये 3 का बहुत प्रचार हुआ है, और ये घर और मकान और शौचालय का व्यवस्था आज ही बुंदेलखंड में पानी के नहीं थे, मजदूर के न होने के नाते वहाँ बहुत ही मुश्किल है, ये तीनों हो नहीं पाया, तो बड़ी मुश्किल है। मैंने जब तक बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा कर पाएगी। बहुत शुक्रिया सीबी पांडे साहब आपका, एसपी सिंह आपका, शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि ज्योत हमारे साथ थे जिनसे हमारा संपर्क टूट गया बीच में, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बुंदेलखंड पर हम बात कर रहे थे, बात बुंदेलखंड की थी तो उन मुद्दों का भी जिक्र हुआ जो कि वहाँ के असल मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, लेकिन उसको भुलाया जा रहा है। और हम कहें कि एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े इश्यूज़ हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे कहीं ना कहीं उनको ढकने का काम किया जा रहा है। लेकिन सीबी पांडे साहब जो कि पूर्व न्यायाधीश थे वो बता रहे थे कि इसका कोई असर वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ आज का मुद्दा में इतना है, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।